गुड मर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड आफ्टरनून रहे सब तो, बट आज टाइम मेरी गुड मॉर्निंग बोलने की। इस समय है हम सेक्टर 6 न्यू शिमला और हम आपको थोड़ा आज शिमला के बारे में बताएंगे। पहले तो बहुत ऊपर चल जाए, ऊपर नहीं बहुत ऊपर मेन रोड पे, और ये रास्ता है ना, इस रास्ते पे वो भी आती है बसेस। देखते हैं, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। एक तो ये मोड था, यहाँ पर बर्फ पड़ने पे गाड़ी स्लाइड खाती हैं, और एक सबसे भयंकर मोड ये जहाँ पर बर्फ पड़ने पे गाड़ियाँ स्लाइड खाती हैं, इसको हम बोलते हैं एस मोड। ये है एनर्जी डिपार्टमेंट का सरकारी ऑफिस। हम गाड़ी सेकंड गियर में डाल सकते हैं। रात को तो यहाँ और बुरा हाल हो जाता है, दोनों तरफ गाड़ियाँ होती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है रास्ते पे अगर बस का टाइम हो रहा हो तो, इसलिए मैं तो बस का टाइम अवॉइड करके निकलता हूँ। पहले यहाँ पर दोनों तरफ गाड़ी खड़ी होती थी, अब पुलिस ने ना एक साइड से गाड़ियाँ हटवा दी हैं, और जो ये खड़ी है ना, ये जैसे बाहर का नंबर था, ये AF है, अगर इस समय पुलिस वाले आते ना, ये है पोल्यूशन का ऑफिस यहाँ पर। ये जगह आती है शिमला नगर निगम वार्ड 30 के अंदर। देखा होगा। अब हम आ चुके हैं BCS, और इस जगह का नाम BCS इसलिए है क्योंकि ऊपर है बिशप कॉटन स्कूल, शायद यही नाम है, बिशप कॉटन स्कूल, ये BCS है पूरा। ये BCS का पहला बस स्टॉप है। ये रोड जा रही है सेक्टर 1, 2, 3, 4 न्यू शिमला, और ये है यहाँ का महिला थाना। हाँ भाई चल रही है, ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का ऑफिस निकला है अभी लेफ्ट में। ये BCS की मात्र एक बाइक सुधारने की दुकान, हर तरीके की बाइक स्कूटी यहाँ ठीक हो जाती है। ये आ गया BCS का दूसरा स्टॉप डायमंड के पास। डायमंड एक स्टोर है जहाँ से सामान खरीद सकते हो, और एक बेकरी खाना वाना सब मिलता है। और ये टेंपल आ गया यहाँ का, हटेश्वरी देवी टेंपल BCS का। ये राइट साइड में भी जो आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड, ये बारिशों की लैंडस्लाइड है, फिर भी लोग गाड़ी खड़ी करनी स्टार्ट कर देंगे। यहाँ
भी लैंडस्लाइड हुई थी, मतलब ये पूरा रास्ता बंद हो गया था दो तीन दिन के लिए, तो खूब सारे पेड़ और मलबे आ रहे थे। अब जो ये सड़क आप देख रहे हो ना, बिल्कुल पतली सी सड़क है, ठीक है, ये झंझीरी आती है और यहाँ पर भी बस जाती है। अब मान लो हिमाचल में कहाँ कहाँ बसें जाती हैं, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते। ये आ गया है खलीनी, सामने है शिमला पब्लिक स्कूल, अब मैं बताने वाला हूँ आपको इम्पोर्टेंट बात। अगर आप लोग शिमला आ रहे हो और टूरिस्ट सीजन पीक पे है, तो क्या किया जाता है कि ना अपर रोड से ना आके ना शिमला में ट्रैफिक डाइवर्ट कर देते हैं शिमला बाईपास पे। ये खलीनी आ गया, खलीनी अब देखो ये सीधा सड़क जो जा रही है ना, वो हमें जाना है ऊपर, जो सीधी सड़क जा रही है वो जा रही है कहाँ पर, शिमला बाईपास रोड। और बीच वाली लेन का मतलब है कि हमें ऊपर जाना है, और उस लेन का मतलब है लेफ्ट में कि हमें सीधा जाना है। अब क्या पता आप लोग यहाँ से आओ, सीधे की तरफ से आओगे और यहाँ चढ़ोगे जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सी कटते हैं, मतलब चलान, उसका रीज़न है ये जगह। अब दो जाना हमें ऊपर वाली रोड पर है, जो ये ऊपर जाती रोड है, बट हम डायरेक्ट नहीं जा सकते यहाँ से। अगर डायरेक्ट मैं लेफ्ट कट कर काटूँगा तो चलान हो जाएगा, तो उसके लिए हमें यहाँ से, इसको बोलते हैं खलीनी चौक, तो उसके लिए हमें यहाँ से ईट बनाना पड़ता है। ईट क्या बनाना पड़ता है आप उसी, हाँ यहाँ से ईट बनाओ और यहाँ से आप ऊपर चले जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी तक शिमला में देख लो कहीं भी बर्फ़ नहीं पड़ी है, कहीं भी जनवरी भी ऑलमोस्ट आधा तो पूरा हो ही गया है, नहीं ऑलमोस्ट क्या आधा तो पूरा हो ही गया। अभी जो ऊपर रोड जा रही है ना, ये आगे से यू टर्न लेके ये जा रही है संजौली, और ये जगह आई है इसका नाम है टॉलेंड। फिलहाल हम जाएंगे सीधा, दिस इज टॉलेंड बस स्टॉप। चाहते तो वो गिरी जाती पूरी तरीके से ना, अभी दिखाता हूँ बिल्डिंग का है। तो वो बिल्डिंग इस समय हमारे बिल्कुल ऊपर है, उस वक्त वहाँ कैमरा नहीं देख पा रहा होगा, बट आप इससे समझ जाओगे। देखो ये नई कंस्ट्रक्शन है ना, ये डंगा लगाया गया उसको बचाने के लिए। और ये लेफ्ट में आ गया सेंट एडवर्ड स्कूल, ये बॉयज का स्कूल है पूरा, और स्कूल काफ़ी वैसे अच्छा है। और ये ऊपर जो सड़क जाती है, ये KNH हॉस्पिटल जाना है तो आप जा सकते हो, बट उसके आगे जाके रिस्ट्रिक्टेड रोड है। रिस्ट्रिक्टेड रोड में आपका कम से कम 5 से 10 हज़ार का चलान हो सकता है अगर गाड़ी लेके जाओगे तो। हाँ यहाँ एक होटल है, होटल का नाम क्या है, होटल मरीना, बहुत अच्छा होटल है विद पार्किंग और व्यू के साथ।
सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ना ऊपर येलो ग्रीन की, वो होटल मरीना की बिल्डिंग है। और इस समय टेम्परेचर हो रहा है मेरा गाड़ी के अंदर 9 डिग्री 9 डिग्री सेल्सियस। और वो चर्च है यहाँ पर, नदी भी वहाँ पर। ओके, सब कुछ दिख जाता है। हाँ भाई, वो दिख रहा भाई मैगडी, मैं ध्यान ही दिया। ये लेफ्ट साइड में होटल हॉलिडे होम, ये है एचपी गवर्नमेंट का, इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ पार्किंग है। पार्किंग है तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। सामने जो बिल्डिंग है बड़ी सी, ये है हिमाचल हाईकोर्ट। सैटरडे को आ रहे हो तो सैटरडे सुबह 12 बजे से पहले पहुंच जाओ, पार्किंग मिल जाएगी। ऊपर के 2 फ्लोर पहले पार्किंग है जो थोड़े कॉस्टली रहते हैं। ये है आजीविका भवन, इसके अंदर तिब्बतन मार्केट है, और ये लेफ्ट में जा रही है मॉल रोड जाने की लिफ्ट, जिसका किराया बढ़ गया। पहले 10 रुपये था, अब 20 रुपये पर पर्सन हो गया वन वे। और जो लोग शिमला आए होंगे घूमने, वो तो ये जगह जानते ही होंगे। ये नॉर्मल है, लिफ्ट तक पहुँचने के लिए ये जगह। जगह जगह पुलिस रहती है, तुरंत चालान कटते हैं। जो अपनी एजुकेशन शिमला में करना चाहते हैं बढ़िया स्कूल में, तो उनमें से एक बढ़िया स्कूल DPS, जो अभी ब्रांड न्यू खुल रहा है अभी, मतलब इस साल उसका पहला सेशन होगा। स्कूल तो यहाँ वैसे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, बट हाँ कोई अगर DPS में पढ़ना चाहता है और पहाड़ों पर आना चाहता है तो यहाँ आ सकता है। पूरी मॉल रोड है, आपको कैसा लगता है बेबी शिमला? अच्छा। शिमला की सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है आपको? मॉल रोड। क्यों? उसमें पैदल चलना होता है और जे
आगे यहाँ का ओल्ड बस स्टैंड पुराना बस अड्डा टाटा का शोरूम तो बेटा वहाँ है ना न्यू एस बी डी पे कहाँ से हाँ वहाँ से वापस जा सकते हैं वहीं से चलना आपको ओके कुछ होटल यहाँ पे भी हैं और एक वहाँ अगर गाड़ी खड़ने की जगह नहीं है तो आप गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हो।